इलाहाबाद हरिद्वार से गंगा जल के कलश गायत्री शक्तिपीठ पर लाए गए और गंगा जल के कलश का वितरण किया गया। उज्जैन संभाग से श्रद्धालु भक्त यहाँ पहुंचे हुए थे और गायत्री शक्तिपीठ में पूजा अर्चना कर विधि विधान के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करने के पश्चात गंगा जल के कलश को अपने अपने घरों पर लेकर जाएंगे और फिर इनकी स्थापना करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग धर्म के प्रति गंगा के प्रति महत्व को समझ सके। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सब बताइए, आज कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित होंगे और किस प्रकार से क्या रहेगा? आज अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिपुर हरिद्वार के तत्वाधान में आपके द्वार हरिद्वार उसी योजना के लेकर शांतिपुर हरिद्वार से गंगा जली से यहाँ पर पहुँची उज्जैन में, और उज्जैन उपजोन के अंतर्गत हमारे जो 6 जिले हैं रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, शाजापुर और उज्जैन, इसी क्रम की जिलों से हमने गायत्री परिवार कार्यकर्ताओं को बुलाया और सभी जिलों में आज गंगा जली सेट का वितरण किया गया। इस माध्यम से करीब हमारे उपजोन के 36,000 घरों में नए घरों में गंगा जली सेट स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। तो उस क्रम में अभी हमारे पास शांतिपुर हरिद्वार से 18,000 गंगा जली किट आ चुकी है प्रथम चरण में। इस उद्देश्य के माध्यम से घर घर में यज्ञ का संस्कारों का प्रचार प्रसार हो और आपके द्वार हरिद्वार, अभी हरिद्वार में जो महाकुंभ हो रहा है उस निमित्त ये योजना बनाई है कि COVID-19 को देखते हुए कोई व्यक्ति वहाँ नहीं जाए, हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर में ही भाव रूप में हरिद्वार का लाभ उठाएं, गंगा जल का स्नान करें। इसी भाव को लेकर शांति कुंज के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है पूरे देश में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।